हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर कंप्यूटर एजुकेशन पटना। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के कुछ गजब और आश्चर्यजनक टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाने में आप इस वीडियो का शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ अजब गजब टिप्स एंड ट्रिक। इसके लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन कर लेते हैं। आप देखिए, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हमने यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे एक कर्सर बिलिंग कर रहा है और हम एक मेटा टाइप करते हैं, एक कमांड टाइप करते हैं और वो कमांड हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू रैंड, RAND रैंड लिख के शिफ्ट को दबा के ब्रैकेट, और जितना कॉलम पे मेरे को प्रैक्टिकल करना है, अगर मान लीजिए मेरे को चार कॉलम पे प्रैक्टिकल करना है तो हम यहाँ पे चार लिख के ब्रैकेट को क्लोज करके, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए चार कॉलम मेरे पेज पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लिखा हुआ मैटर ऑटोमेटिकली पेज पे इंसर्ट हो गया। फ्रेंड्स, अगर हम इन सारे मैटर को सेलेक्ट करना चाहें तो हम माउस से इस तरह से पकड़ के मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल पैराग्राफ को अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप किसी पैराग्राफ के किसी भी जगह पे कर्सर को रखिए और माउस से तीन बार क्लिक कीजिए, 1 2 3, और देखिए तीन बार क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। ये तो हुआ पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का तरीका कि अगर आप माउस से तीन बार किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं कि अगर हमें एक इंडिविजुअल वर्ड को अगर सेलेक्ट करना हो तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो एक इंडिविजुअल वर्ड को अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट, अगर आप माउस से सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपको ट्रैक करना होगा, लेकिन अगर आप माउस को दो बार क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखिए वो वर्ड सेलेक्ट हो गया। मान लीजिए कि अगर हमको एक लाइन सेलेक्ट करना हो तो कैसे सेलेक्ट करें, तो उसके लिए आपको कंट्रोल को प्रेस करके यहां पे एक बार क्लिक करना है। आप देखिएगा कि वो पैराग्राफ का एक लाइन जो होता है वो सेलेक्ट हो गया। ये तो हुआ फ्रेंड सिलेक्शन की बात। अगर हमको इस पूरे पैराग्राफ का आधा मैटर सेलेक्ट करना हो, जैसे अगर हम मान लीजिए यहां से यहां तक इस एरिया को ही अगर हमको सेलेक्ट करना है, ये एरिया को ही अगर सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हम ऐसे नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, जब भी हम जाएंगे तो इस तरह से ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे ताकि पूरा का पूरा ये एरिया सेलेक्ट हो। लेकिन अगर मेरे को इतना आधा ही एरिया सेलेक्ट करना हो या आधा से कम ही अगर एरिया को सेलेक्ट करना हो तो उस पर कैसे काम करेंगे, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो उसके लिए हमको एल्ट दबाना है, और एल्ट को दबा के आपको जो भी एरिया को सेलेक्ट करना है उस पर आप माउस से ड्रैग कर लीजिए। मान लीजिए मेरे को इतना ही एरिया सेलेक्ट करना है, हम माउस से यहाँ पर ड्रैग कर लिया, मेरा इतना ही एरिया सेलेक्ट हुआ। सपोज कीजिए अगर इसी एरिया में मेरे को कलर फिल करना है, फॉन्ट का कलर को चेंज करना है, तो आप देखिए यहाँ पे जाइए और इसी एरिया में जो मेरा सेलेक्टेड एरिया है, आप देखिए इसी में सिर्फ मेरा फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, बाकी का जो एरिया है वो उसी तरह से खाली है, ब्लैक में ही है। तो मैं एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड, और ये देखिए मेरा इतना जो ये जो एरिया हुआ ये मेरा सेलेक्ट हो गया, और इसी में हमने फॉन्ट का कलर को चेंज किया है, तो ये मेरा जो सेलेक्टेड एरिया था यहीं पे मेरा फॉन्ट का कलर चेंज हुआ है। फ्रेंड्स, आइए अब हम अगला टॉपिक पे जाते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा
इसको मैं हटा दूं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी पेज पे आप मैथमेटिकल जोड़ घटाओ गुना भाग का जितना भी सारा कंसेप्ट है वो टोटल का टोटल आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी मैथ का जो भी कैलकुलेशन आपके पास है उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे आप टाइप करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे करते हैं आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कंट्रोल को दबाते हुए F9 बटन प्रेस करना है। आप कंट्रोल को दबा के F9 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहां पे एक ब्रैकेट इंडिकेट करेगा और उस ब्रैकेट में आपको मैटर डालना है। आप यहां पे इक्वल टू का सैंबल दीजिए और मान लीजिए मेरे को मैटर टाइप करना है 120 प्लस 240 माइनस 55 गुना 5। और आप फिर से जैसे ही F9 बटन प्रेस करते हैं ये देखिए पूरा आंसर निकल के सामने आ गया। ये हुआ कि आप किसी भी तरह के मैटर को अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो उसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे। आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो अगला कमांड है वो है अगर आप प्लस के ऊपर न्यूमेरिक कीपैड के में ही न्यूमेरिक कीपैड में ही प्लस के ऊपर वाला जो माइनस का बटन है उसको अगर आप 3 बार प्रेस करते हैं और जैसे ही आप इंटर मारते हैं ये देखिए एक लाइन आपके पेज पे ड्रैग हो गया। ये देखिए हमने फिर से मैं इस चीज को दोबारा करके दिखा दूं। आप यहाँ पे 3 बार माइनस वाला बटन को दबाकर आप जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं देखिए एक लाइन आपके पेज पे स्ट्रेट वेब में डिस्प्ले करने लगा। अगर हमें डबल लाइन लेना है तो उसके लिए कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स डबल लाइन लेने के लिए आपको इक्वल टू का जो सैंबल हमारे कीबोर्ड में दिया गया है उसको 3 बार प्रेस करना है 1 2 3 और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं आप देखिए ये डबल अंडरलाइन में ये मैटर शो कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको जिगजग वाला टैब अगर आपको जिगजग वाला लाइन अगर आपके पेज पे लाना है तो उसको कैसे लाएंगे आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शिफ्ट और एस्केप के ठीक नीचे वाला बटन जो एक छोटा सा होता है जिसमें रू लिखा रहता है आप उसको प्रेस कीजिए 1 2 3 और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं ये देखिए जिगजग वाला बटन जिगजग वाला लाइन यहां पे शो करने लगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप स्टार अपने कीबोर्ड से 3 बार स्टार प्रेस करते हैं 1 2 3 और जैसे ही आप इंटर मारते हैं आपका जो लाइन है ये डॉट डॉट के रूप में इंडिकेट करता है। एक बार फिर से मैं इस कमांड को दोहरा दूं। आपको स्टार दबाना है 3 बार 1 2 3 और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं आप देखिए आपके पास डॉट डॉट में एक लाइन शो करने लगा। फ्रेंड्स आइए अब अगले कमांड पे चलते हैं। अगर आपको लाइन आपका जो लाइन है यदि मोटा करना हो तो उसके लिए कौन सा कमांड है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरे को लाइन मोटा खींचना हो तो उसके लिए क्या करना है शिफ्ट बटन को प्रेस करके और 3 बार हैश बटन का इस्तेमाल करना है हैश बटन को दबाना है। जैसे हमने शिफ्ट बटन प्रेस किया और हैश बटन शिफ्ट को प्रेस करने के बाद प्रेस करना है 1 2 3 और आप जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं ये देखिए आपका लाइन थोड़ा मोटा के रूप में
हो गया और ये मोटाई में इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ आश्चर्यजनक गजब के टिप एंड ट्रिक्स। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसका दूसरे लोग को भी फायदा मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।